मेरे ख्याल से वामपंथ की राजनीतिक चुनौती सबसे बड़ी ये है, जितनी वामपंथ की राजनीतिक ताकत है, जितना उसका फैलाव है, उससे हमेशा उसको कम करके आंका जाता है, कम करके बताया जाता है। तो सबसे बड़ी मेरे ख्याल से राजनीतिक चुनौती ये है, जैसे अभी देखिए 2022 में मजदूरों की हड़ताल हुई थी, लगभग भारत के इतिहास में उतनी बड़ी हड़ताल कभी नहीं हुई, 20 करोड़ लोग शामिल हुए। लेकिन अभी देखिए, अभी चुनाव हो रहा है, हमारे साथियों के बीच बातचीत होती है, तो क्या होता है कि कैठो देगा, हो ये वो देगा कि दूगो देगा, कितना देगा, हमको कितना देगा, मतलब हम लोग निर्भर हैं दूसरे को। तो हमारी जो शक्ति है, हमारा जो जो दूसरे दल हैं जिनके साथ पूंजीवादी दल, वो हमारी ताकत को कम करके आंकते हैं, कम करके बताते हैं कि आपकी उतनी ताकत नहीं है। तो सबसे बड़ी चुनौती है इससे पार पाना, इससे हमें ये कर पाना। तो इसका तरीका क्या है कि भाई आप अगर हमको कम करके आंकते हैं, आप हमको अगर 2 सीट पर समर्थन कीजिएगा तो हम भी आपको 2 पर देंगे, हम भी आपको बहुत होगा 20 पर देंगे, 25 पर देंगे, सब पर नहीं देंगे। तो सबसे पहला ये जो लड़ाई को थोड़ा साहस बनाना, आक्रामक बनाना, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती, आक्रामक होने की जरूरत है। हमें उसमें अपनी बात को ताकत के साथ रखने की जरूरत है, क्योंकि चुनाव का भी इतिहास हमें यही बताता है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि जैसे अभी कहा गया कि सबसे बड़ी जो दिक्कत है, सबसे जो बड़ा जो संकट है, नव उदारवाद का है, पूंजीवाद का है। अभी मैं देख रहा था कि मोदी जी के पहले 2014 में रोज काम करने वाले जो मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर में 24 लोग आत्महत्या कर लेता था रोज भारत में। 2022 में मजदूर की आत्महत्या करने की दर 124 हो गई, मतलब रोज 124 मजदूर आत्महत्या करता है। तब इससे हमारा संकट कितना गहरा है, इस बात को छात्रों में, नौजवानों का, पेशेवर कर्मचारियों का देखिएगा, जिनको नौकरी है, जिसको सैलरी मिलती है, उनमें आत्महत्या की दर पिछले 8-9 साल में 5 गुनी ज्यादा बढ़ गई। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी। सबसे बड़ी समस्या क्या है? गरीबी। लेकिन वामपंथ की राजनीतिक चुनौती यह है कि वामपंथ के डिस्कोर्स में यह एक पासिंग रेफरेंस की तरह आता है। मुख्य से हमारी चुनौती क्या है भाई? हमें फांसीवाद से लड़ना है, हमें सांप्रदायिकता से लड़ना है। लेकिन सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा किस चीज से मिलता है? बेरोजगारी से मिलता है। अभी पूरे यूरोप में और पूरे लैटिन अमेरिका में देखिए कि जगह जगह वाम फांसीवादी सरकारें चुन के आती है। क्यों चुन के आती है? क्योंकि वहां बेरोजगारी की दर, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ेगी तो फासिज्म के लिए उर्वर जमीन। तो उसकी बुनियादी जड़ कहाँ है? बेरोजगारी पर। तो हमें सबसे पहला राजनीतिक चुनौती ये पेश करना चाहिए कि तुम ये बताओ, बेरोजगारी रोजगार पैदा करने के लिए क्या काम कर रहे हो? तुम लोगों को गरीबी दूर करने के लिए क्या काम कर रहे हो? ये जो पासिंग रेफरेंस की तरह हमारे बातचीत में, डिस्कोर्स में आता है, इसको प्रधान पहलू बनाना चाहिए, इसको हमें प्रधान बात बनानी चाहिए। सांप्रदायिकता इसी, जब इस पर अगर हम लोग चोट पड़ेंगे तो सांप्रदायिकता से भी लड़ पड़ेंगे। मेरे ख्याल से राजनीतिक चुनौती हमारे पास ये है। एक जो अभी देखिए फिलिस्तीन वाला जगह हुआ, आप चले जाइए अभी 14 नवंबर को जो जवाहरलाल नेहरू की जयंती है, मुंबई के जुहू बीच पर बेचारी लड़की सब उसी बाल दिवस के दिन फिलिस्तीन में जो बच्चे मारे गए उनके बारे में बातचीत कर रही थी, सबको छोटी छोटी बच्ची को गिरफ्तार कर लिया गया। हम लोग का तो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के तमाम मस्जिद के इमामों को ये बोला कि आप लोग जो शुक्रवार को जो अपना आपका जो बयान होता है, आपका जो भाषण होता है, उसमें खबरदार जो फिलिस्तीन का कहीं जिक्र भी आना चाहिए। चले जाइए इंग्लैंड में लंदन में पूरे इतिहास में 30 लाख लोग फिलिस्तीन के पक्ष में उतरे, लेकिन वहां की सरकार उस फिलिस्तीन के प्रदर्शन को दबा देना चाहती थी। तो जो लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम किसी के पक्ष में बोल सके, वो हमको नहीं है। अभी जब हमको याद है जब हमास हमला किया इस पर 7 अक्टूबर को, तो हमारे वामपंथी साथियों में भी इसको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन था कि अरे हमला किया आतंकवादी है, उसको करने की क्या जरूरत थी? तो हम लोग को काउंटर करना चाहिए कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो भारतीय सिपाहियों ने भी तो अंग्रेज बच्चों और महिलाओं की हत्या की थी। पूरा इंग्लैंड का अखबार इसी चीज से भरा रहता था। खुदीराम बोस भी तो बच्चों को मारे थे।
उसकी औरतों को किंग्सफोर्ड की पत्नी को मारे थे, तो इससे क्या होगा, क्रांतिकारी नहीं रह जाएगा। तो हमें एक तो सबसे पहली बात कि साहस पूर्वक आक्रामक ये पैदा करना, अपनी आक्रामकता को पैदा करना, और सही कहा गया मंच से कि अब दुनिया में लोकतंत्र जैसी कोई चीज नहीं है, बुनियादी चीज लड़ाई है पूंजीवाद पर प्रहार होना चाहिए। किसी भी पार्टी का मूल्यांकन, चाहे राजद हो, कांग्रेस हो, जदयू का, पूंजीवाद के लिए क्या कर रहे हैं। अभी बता रहे हैं हम लोग जब फिलिस्तीन के लिए एप्सो का कार्यक्रम किए तो कुछ राजद के साथियों से बातचीत किए कि आप लोग आइएगा, इस सब आप लोग क्या करते हैं फिलिस्तीन वगैरह पर, क्या बोला आपको जान के हैरत होगी, अपर कास्ट लोगों का चौचला है पिछड़े दलितों को जातीय जनगणना के सवाल को पृष्ठभूमि में ढालने की, अब क्या कहिएगा इसको, क्योंकि उसी वक्त ये बातचीत आ रही थी। तो हमें इस चुनौती को भी इस तरीके से देखना है। दूसरी बात, आजकल कहा जाता है कि एक सवाल को हम देखते हैं कि वाम पंथ डिफेंसिव होता है, वाम पंथ जैसा कि मैंने कहा जितनी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, चाहे मजदूर की किसान की, उसकी रक्षात्मक से उसको आक्रामक बना, जो अब तक हम लोग हासिल कर चुके हैं उसको बचाने की लड़ाई लड़ी रहे, लेकिन उसको अब और ज्यादा करने की जरूरत है। और अंतिम बात मैं बस दो छोटी छोटी करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि जैसा कि मैं कह रहा था कि एक बहुत बड़ा समुदाय ऐसा है जैसे साम्राज्यवाद को अब इशू नहीं मान गया, कोई कम्युनिस्ट के लिए वामपंथ के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है साम्राज्यवाद विरोध, साम्राज्यवाद विरोध को भारत में खास करके बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया गया, और ये कमजोर किया गया है उन शक्तियों के द्वारा जो हमारे अब तक एलाय रही है, जो हमारे सहयोगी रहे हैं सांप्रदायिकता के विरोध संघर्ष में। सांप्रदायिकता और फासिज्म से हम लोग तब तक नहीं लड़ सकते अगर हम लोग साम्राज्यवाद के खिलाफ कड़ा एक निष्ठुर या कठोर स्टैंड नहीं लेंगे। जैसे देखिए सामाजिक न्याय की ताकतें, उनसे कहिएगा कि भाई हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग का पिछड़ी जाति में जन्म हुआ, दलित जाति में जन्म हुआ, हम लोग के साथ बहुत अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, नहीं होना चाहिए। हम लोग को लगता है कोई बात नहीं, आपका जन्म पिछड़ी जाति में हुआ, दलित जाति में तो आपको सहना ही है अत्याचार, क्या दिक्कत है, सही है। तो कहे कि नहीं, नई अवधारणा यह है कि जन्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारा जन्म अगर निचली जाति में हुआ, जन्म पिछड़ी जाति में, तो हमारे साथ अत्याचार कीजिएगा। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आया कि जन्म के आधार पर बात नहीं होनी चाहिए। कम्युनिस्ट लोग इसमें एक बात और जोड़ता है, और जैसे ही ये बात जोड़ता है तैसे ही सामाजिक न्याय की ताकतें पीछे भागने लगती है। कम्युनिस्ट लोग कहता है कि भाई संपत्ति ही जन्म से निर्धारित होता है। जैसे मान लीजिए कि हमको 2 बीघा जमीन है, तो हमको तो सिर्फ इसलिए कि मेरा जन्म किसी घास घर में हुआ, इसीलिए हमको ये जमीन मिल गई, संपत्ति मिल गई। किसी के पास संपत्ति कहां से आती, मुकेश अंबानी के पास कहां से संपत्ति आया, धीरू भाई अंडानी की संपत्ति है। कम्युनिस्ट लोग कहता है कि संपत्ति के सवाल को जन्म के साथ जोड़ो, जाति और संपत्ति के सवाल को जोड़ो। जैसे ही संपत्ति का सवाल जोड़ा जाता है, कम्युनिस्टों को छोड़ के, लाल झंडा को छोड़ के सब पार्टी पीछे भागने लगती है, सब पार्टी पीछे भागने लगते हैं, एक भी इसमें आपको उसमें आगे नहीं आगे। तो हमें संपत्ति के बंटवारे के सवाल को केंद्रीय सवाल बनाना, ये मेरे ख्याल से वामपंथ के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती है। डर हमको 2 बात से लगता है, और यही अंतिम बात मैं कहता हूं। डर ये लगता है कि कहीं ऐसा नहीं संपत्ति के सवाल को अगर हम लोग ज्यादा केंद्रीय में लाए तो हम लोग अलग पड़ जाएंगे, अलग थलग पड़ जाएंगे, तमाम पार्टियां हम लोग से अलग हो जाएंगी और शासक वर्ग हमको मिलकर मार देगा। यही भय है जिसकी वजह से हम लोग इस सवाल को थोड़ा पृष्ठभूमि में रखते हैं, थोड़ा पीछे रखते हैं कि चलो भाई अभी हमें बड़े दुश्मन से, बड़े इससे लड़ना है, इसलिए हमको इसको पीछे रखा जाए। जैसे देखिए हमको याद है कि वामपंथ 2004 में, अपने साथियों ने बात की, जब पहली बार लगा था कि सत्ता में आएगा या इलेक्शन का जब रिजल्ट आया, तो आप लोग को याद होगा जितनी यहाँ की फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना विदेशी निवेश यहां से लेने के भागने लगा, और मनमोहन सिंह को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनना था, भारत का प्रधानमंत्री शायद सोनिया गांधी या दूसरी चीज, लेकिन चूंकि ऐसा विदेशी निवेश यहां से पैसा निकाल के भागने लगा, तो विदेशी निवेशकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि नहीं आपका आदमी हम बना रहे हैं, यहां पे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लाना पड़ा। क्यों, वार कौन से इतना भय हो गया था, इतना डर हो गया था, तो एक ऐसी स्थिति में फंस गया है कि जैसे ही आप कहिएगा कि जो अभी बात हुई लिबरल पार्टियां कहती हैं कि जैसे ही आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा यहां से सारा विदेशी निवेशक पैसा निकाल के भाग जाएगा, सारा
गड़बड़ सौदा हो जाएगा। ये इसको आप मत कीजिए, वामपंथ को आगे मत कीजिए। आप लोग पीछे रहिए, पृष्ठभूमि में रहिए, माहौल आएगा। आप किसान आंदोलन में देखा आपने कम्युनिस्टों को पीछे रह के सारा काम करना पड़ा, ऐसे राकेश टिकैतरीन चेहरों को आगे सामने रख के काम करना। तो ये कम्युनिस्टों को जो कहा जाता है कि आप पीछे रह के काम कीजिए तभी स्थिति ठीक होगी, ये मेरे ख्याल से इस राजनीतिक चुनौती को टेकअप करके हमको इसको छोड़ना है। और दोस्तों अंतिम बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे अभी मोबाइल का जिक्र किया रविन्द्रनाथ राय जी ने, कहा जाता है कि आधुनिकता कौन लाया, मोबाइल ले आया। यही मनमोहन सिंह जब गए इंग्लैंड में, लंदन में, तो वहां कहा कि अंग्रेजों आपका बहुत बड़ा भला है कि आपने हमें रेलवे दिया। कई बार हम देखते हैं कि हम लोगों को भी इस सवाल पर कई बार डगमगाने, अरे तुम रेलवे दिए तो तुमने बर्बरता भी तो दी, तुमने संस्था भी तो दी। लगभग 1825 से 1900 के बीच में लगभग 4 करोड़ लोग, किसान लोग मारे गए अंग्रेजों की नीतियों की वजह से। ये सवाल भी मोबाइल अगर आया है, अगर बैंगलोर अगर विकास का केंद्र है तो बैंगलोर सबसे बड़ा आत्महत्या का भी केंद्र है किसानों का, मुंबई आत्महत्या का भी केंद्र है, बिहार का किसान आत्महत्या नहीं करता। लेकिन यहाँ एक झगड़ा जो राजनीतिक चुनौती अम्बेडकर लोगों से है, यही मेरी अंतिम बात। जैसे ही कही आप अंग्रेजों की